हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो गाइस, क्या आप लोग को भी काइरोस स्केटर अभी तक नहीं मिला है? और आप लोग को फ्री में लेना है तो आप लोग को काइरोस स्केटर कैसे मिलेगा वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर आप लोग को जानना है पूरा 100% कंफर्म आप लोगों से काइरोस स्केटर या आप लोग को फ्री में कैसे मिलेगा, तो फिर अगर ऐसे में स्किप मत करना, क्योंकि फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँ। और बाकी देखो गाइस, आप लोग को काइरोस स्केटर तो ले लोगे, बट इसका जो एबिलिटी है ये आप लोग को पता ही नहीं रहेगा, तो यूज़ कैसे करोगे ये बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग कैसे ही करोगे ना। इसलिए मैं आप लोग का सबसे पहले काइरोस स्केटर की जो एबिलिटी है वो बताती हूँ। सबसे पहले जो आप लोग जो काइरोस स्केटर की एबिलिटी है वो देख ही सकते हो, ये पैसिव क्रिएटर होने वाला है, तो आप लोग किसी भी एक्टिव क्रिएटर के साथ में लेके इसको खेल सकते हो। और ये पैसिव क्रिएटर है तो आप लोग को ऑब्वियसली पता ही होगा पैसिव क्रिएटर का जो एबिलिटी होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब अपने आप चलता है। तो आप लोग को इसकी एबिलिटी में सबसे पहले डिफेंस मोड देखने के लिए मिलेगा और दूसरा ब्रेकर मोड देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जैसे इसके एबिलिटी को यूज़ करके गेम में सोगे, आप लोग का जो ऊपर येलो वाला जो ईपी है वो प्लस होगा, दो दो करके प्लस होता रहेगा। और आपका जो ईपी है ना, ये एक सेकंड में 2 EP प्लस होगा, तो 100 सेकंड में 200 EP प्लस होगा। और 200 EP जैसे ही प्लस हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो ये ब्रेकर मोड पर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकर मोड पर ये एक्टिव हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो ऐसा पर्पल कलर का आप लोग का जो ईपी है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और पर्पल कलर का ईपी रहेगा ना, तो आप लोग का जो यहाँ पे 4D उसमें इफेक्ट एनिमेशन भी आएगा इस करेक्टर का, जो देख ही सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये अगर पर्पल कलर का हो गया ना, फिर आपका क्या काम करेगा, देखो आप लोग किसी को भी, मतलब किसी भी एनिमी को आप लोग जो वेस्ट है हेलमेट है ना उसमें आप लोग डैमेज दोगे ना, तो वो उसको जल्दी तोड़ देगा। और जो ग्लो वाले की स्किन है उसमें भी आप लोग मतलब आप लोग गोली करोगे, फायर करोगे, तो आप लोग जो ग्लो वाले की स्किन है उसको भी आप लोग जल्दी तोड़ पाओगे। साथ में जो वेस्ट और हेलमेट है इसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज देगा इससे, मतलब ऐसा ही पर्पल रहेगा। और आप लोग इसका जो फेस्ट है, जो एनमी का फेस्ट है, उसको आप लोग जल्दी तोड़ पाओगे। और बाकी इसका और कोई काम नहीं है, जैसे ही आप लोग किसी भी एनमी को ऐसे यहाँ पे फायर करोगे, एक भी गोली एनमी के टीसर सॉरी जो वेस्ट है उसमें लग गया, तो इसका जो आप लोग देख रहे हो जो पाँच पाँच करके जो ईपी है ना, जो ऊपर वाला आप लोग पर्पल कलर का देख रहे हो, ये पाँच करके एक एक सेकेंड में पाँच करके जो ईपी है वो माइनस हो जाएगी। और या फिर आप लोग खुद ही देखो, पाँच करके जो माइनस हो रहा है ईपी, क्योंकि मैंने डैमेज दिया था एनमी को, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी डैमेज हो गया एनमी के टी शर्ट में, तो आप लोग का पाँच करके माइनस हो जाएगा और फुल्ली 0 माइनस हो जाएगा। तो ये फिर से एक सेकेंड में 2-2 करके ईपी प्लस करना चालू कर देगा और 200 HP हो जाएगा, सॉरी ईपी हो जाएगा, तो आप लोग का ये जो ब्रेकर मोड पर आ जाएगा और इसका जो ईपी है ये पर्पल कलर का आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और किसी भी एनमी के फेस और जो हेलमेट है उसमें ज़्यादा डैमेज देगा, बाकी इस क्रिएटर का और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और बाकी आप लोग बताओ, ये वाले जो क्रिएटर है काइरोस, इसका जो एबिलिटी है आप लोग को खास वास कैसा लगा? बाकी देखो, ये CS रैंकेड आप लोग खेलोगे तो उसके अंदर तो ये 1.5 मिनट जो है ये तो मतलब जो ईपी है उसको ही प्लस करता रहेगा 200 का, फिर से आके वो पर्पल कलर का होगा। और PR के अंदर करोगे तो किसी भी एनमी को डैमेज दिया तो तुरंत से आपका जो ईपी है वो 5-5 करके माइनस हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, फिर 1-1 करके प्लस होगा। सो अच्छा खासा ही इसका एबिलिटी है, बाकी आप लोग यूज़ कर सकते हो क्योंकि पैसिव क्रिएटर है ना, पैसिव क्रिएटर को कहीं भी फिर आप लोग एक्टिव क्रिएटर के साथ में घुसा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बाकी आप लोग का जो एक क्रिएटर है काइरोस, ये आप लोग को फ्री में कैसे मिलेगा, तो देखो आप लोग को 15 मई के बाद में आप लोग को पैराडॉक्स बैंड के अंदर से आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिशन करके जो ये काइरोस क्रिएटर है ये आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा। सो 15 मई के बाद में आप लोग को काइरोस क्रिएटर बिल्कुल ही फ्री में मिशन करके मिल जाएगा पैराडॉक्स के बैंड से। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना भूलना नहीं। तो चलो, बाय बाय।